जय महाराष्ट्र मिरुजू तालुक तुके राजमंत्र या तुमच्या लोकप्रिय कार्यक्रमामध्ये खूप खूप स्वागत तुमचं मागच्या आठवड्यातच आपण म्हटलं होतं की पुढचा आठवडा खास असणार आहे कारण आता निवडणूक ही शेवटच्या टप्प्यात आली आहे महानगरपालिकेची निवडणूक जर आपल्या महाराष्ट्रापुरतं बोलायचं झालं तर आणि यू पी म्हणजे उत्तर प्रदेश आणि इतर पाच राज्यात होणाऱ्या ज्या निवडणुका आहेत तर त्याचाच प्रचारही अंतिम टप्प्यात येतो आहे आणि म्हणून आज पंडित राजकुमार शर्मा नेहमीप्रमाणे आपल्याकडे आले आहेत ते भाकीत वर्तवण्यासाठी राजकीय भाकीत आज त्यांच्याकडनं आपण

आपने देखा रिसेंटली मद्रास में क्या हुआ हाँ। तो काफ़ी भारी संख्या में लोगों ने उसका अभिनंदन किया शुभकामनाओं के फोन तो हमारे ऑफिस में भी आए हाँ हाँ <laughs> कि भाई अगर शशिकला और पनीर सिल्वम नहीं बनते हैं तो कोई तीसरा भी बन सकता है हाँ। तो अभी भी वहाँ पे विवाद बना हुआ है इनफैक्ट आई वर्स देयर और येस्ट डे एनी अब आपके सवाल का जवाब जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे महाराष्ट्र के लिए और महाराष्ट्र की राजनीति और राजनीतिज्ञों के लिए जिसका बेसब्री से लोग इंतज़ार कर रहे हैं बीएमसी की बात करेंगे और बीएमसी में दिग्गज पार्टियां जो हैं उनमें सबसे पहले शिवसेना भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस एनसीपी, एक पार्टी जो बहुत इम्पॉर्टेंट यहाँ पे आज के दिन अपनी हाज़िरी दर्ज करने जा रही है वो है एमआईएम। एम

पार्टियों की बात कर रहे थे एम आई एम है और विनायक मेटे का शिव संग्राम है जो भारतीय जनता पार्टी के साथ है रामदास आठोले साहब का आर आर पी आई है जो भारतीय जनता पार्टी के साथ है तो कहीं ना कहीं कुछ इस वक्त इस बार सबसे ज़्यादा अपक्ष लोग भी खड़े हैं जो कोई बीजेपी से नाराज़ है जो कोई कांग्रेस से नाराज़ है या कोई शिवसेना से नाराज़ है तो अपनी अपनी किस्मत अजमाने के लिए ये महासंग्राम महाभारत के अंदर कूदे हुए हैं आप देख रहे हैं कि बहुत से होर्डिंग पे कहीं कोई बोल रहा है कि मैं शब्द पालूंगा कोई बोलता है मैं वचन पालूंगा तो ये सब चक्रों में हम ज्योतिष के माध्यम से जानने का प्रयत्न करेंगे कि क्या होगा और कहाँ ऊंट किस करवट राजनीति का ऊंट किस करवट बैठेगा तो सबसे पहले दिग्गज पार्टी जो महाराष्ट्र की लाड़की पार्टी जिसको आप नहीं, नहीं, बोलते हैं हाँ. उस उद्धव ठाकरे साहब उसके इस वक्त अध्यक्ष हैं और उनकी अगर कुंडली का अध्ययन करते हैं तो 27 सात 1960 सौ सिंह राशि से आपको याद होगा मित्रों मैं हमेशा उनकी कुंडली के बारे में जब बोलता हूं कि राहु की महादशा उनकी खत्म हो चुकी है जो 9 अगस्त 2016 में खत्म हो चुकी है नौ आठ दो हजार सोलह के ऊपर उद्धव ठाकरे जी के ऊपर गुरु की महादशा का आरंभ हो चुका है गुरु उनका अष्टम सिक्स हाउस में छठे घर में स्वग्रही है गुरु के दो घर होते हैं सबसे पहला घर होता है धनु राशि तो गुरु इस वक्त जो है वो उनका धनु राशि का ही जन्म कुंडली में है तो गुरु की राशि में अगर हम उद्धव ठाकरे साहब की कुंडली का और भारत और बाला साहब और शिवसेना के लोगों के शिवसेना के स्थापना दिवस का जब बाला साहब ने स्थापना की उस दिन का जब हम अध्ययन करते हैं तो उद्धव ठाकरे जो हैं वो शिवसेना के साथ में मुझे कुंडली के प्रमाण से उनके लाड़के नेता जैसे चाहे रामदास कदम हैं संजय राउत हैं उन तीन चार बड़े बड़े लोग जो अनिल देसाई उनकी कुंडलियों का भी मैंने अध्ययन किया आदित्य ठाकरे तो मेन है जी आदित्य ठाकरे हाँ। और रश्मि ठाकरे हाँ। इनकी कुंडलियों का भी अध्ययन किया क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं आदित्य और रश्मि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं क्योंकि घर में अगर शांति है तो बाहर अच्छा होता है घर में अगर तो इसलिए रश्मि ठाकरे वो उद्धव ठाकरे के पत्नी और उनके बेटे जो हैं कहीं ना कहीं सारा समावेश यह दर्शाता है कि शिवसेना जो है वो बीएमसी में सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरेगी और जो मेयर होगा वो वापिस शिवसेना ही मेयर जो है वो तय करेगी तो अब अब बात करें कि भाई कितनी सीटें शिवसेना ले सकती है तो डेफिनेटली एटी फाइव टू हंड्रेड सीट तक शिवसेना ले सकती है कहीं ना कहीं जो ग्रह दशा बीस तारीख दोपहर को बदलेगी उसमें हंड्रेड के पार जाने के योग भी शिवसेना के दिखाई देते हैं इसलिए मुझे सबसे बड़ी पार्टी आज भी शिवसेना ही उभर कर आती हुई दिखाई देती है इसलिए वो बधाई के पात्र हैं उद्धव जी की कुंडली में गुरु की महादशा शुरू हो चुकी है उनको थर्सडे के दिन साई बाबा के दर्शन करने चाहिए हो सके तो उस दिन कम से कम एक किलो गेंदे के फूल साई के चरणों में रख के प्रणाम करना चाहिए बाला साहब की आत्मा की शांति के लिए और शिवसेना की वृद्धि के लिए ये राष्ट्रीय पार्टी बनने वाली है ये मैं कहते आया हूँ सुन के हाँ, लिए हाँ। और दूसरी बात करते हैं देवेंद्र फडनवीस साहब की देवेंद्र फडनवीस साहब की कुंडली में हम जब झांकते हैं तो 22 सात 1970 सौ सत्तर दस बज के उनतीस मिनट टेन ट्वेंटी नाइन नागपुर में उनका जन्म हुआ जी हाँ। पिछले हफ्ते मैंने बोला था कि उद्धव जी की कुंडली में राशि है सिंह और देवेंद्र फडनवीस साहब की कुंडली में राशि है कुंभ तो सिंह राशि का स्वामी सूर्य है और कुंभ राशि का स्वामी शनि है नीलांजनम समाभाम रविपुत्र जमाग्रजम छाया नमामि शनेश्वरम तो सूर्य और शनि की बनती ही नहीं है इसलिए इन दोनों के वाद विवाद बढ़ते ही जा रहे हैं और कुछ पांच सात दस दिनों में तो आपने देखा होगा चाहे वो होर्डिंग के माध्यम हो चाहे वो मीडिया की डिबेट हो उसमें कशमकश बड़ी है कहीं भी शांति दिखाई नहीं देती टूटते हुए नजर आते हैं तो देवेंद्र फडनवीस की कुंडली का जब हम अध्ययन करते हैं तो बुद्ध की महादशा में शनि उत्तम होता है इसलिए ये बात ध्यान से सुन लीजिए दर्शक कि बुद्ध और शनि मित्र हैं, देखिए यहां पर भी ग्रहों में भी घटक है संगठन है गुरु का एक संगठन है जिसमें चंद्रमा है सूर्य है मंगल है शनि का एक संगठन है जिसमें शुक्र है राहु है केतु है और बुद्ध है तो बुद्ध शनि का मित्र है इसलिए आप शिव भारतीय जनता पार्टी को भी कम नहीं आंक सकते अगर देखा तो मुंबई में जो प्रचार की पूरी धरोहर है वो देवेंद्र फडणवीस जी के ही कंधे पर है वो एक अकेला चेहरा है जिसको लेकर बीजेपी ये महापालिका चुनाव जो है वो लड़ रही है और डेफिनेटली वो आक्रामक भी है और बुद्ध में जब शनि देखिए पहले मैं बोल रहा था आपको बुद्ध में गुरु चल रहा है हाँ। तो गुरु जो है वो अच्छा नहीं होता है कहीं ना कहीं वाद विवाद कर आता है मगर शनि इस वक्त जो है गुरु की राशि में बैठा हुआ है गोचर में बुद्ध में शनि है तो इसलिए सेकंड सब दूसरी सबसे बड़ी पार्टी जो है मेरे हिसाब से भारतीय जनता पार्टी दिखाई लेकिन क्या कुछ इजाफा होगा पीछे पहले जो सीट्स उन्हें मिली थी उससे पहली सीट कितनी मिली थी उसका मुझे अंदाजा नहीं है साठ सीटें सीटें मिली थी तो साठ के करीब करीब ही उनको मतलब कहने का कि बिटवीन टू तो सीट मिलने के योग बनते हैं इजाफा तो नहीं होता हुआ दिखाई देता क्योंकि यहाँ पर हम लोग भारतीय जनता पार्टी की कुंडली का अध्ययन करते हैं वृश्चिक राशि नरेंद्र मोदी जो दिल्ली में बैठे हुए हैं यहाँ तो बाला साहब ने जब शिवसेना बनाई उसका अध्ययन करते हैं वो महाराष्ट्र में बनी और शिवसेना के कर्ता धर्ता उद्धव ठाकरे जी की कुंडली का अध्ययन करते हैं तो उन उस कुंडली उस, उस कुंडली को हम लोग पकड़ के चलेंगे ना बिल्कुल तो यहाँ पे तो कहीं ना कहीं मोदी जी की कुंडली का भी अमित शाह की कुंडली का भी विश्लेषण आता है क्योंकि बहुत गहनता से अध्ययन करना पड़ता है राजनीतिक भविष्यवाणियाँ करने के लिए इसलिए इन सबकी भविष्य कुंडलियों का अध्ययन करते हुए कहीं ना कहीं 48 टू 60 सीट भारतीय जनता पार्टी भी ले जाने में सक्षम हो सकती है अब संजय निरूपम की कुंडली का अध्ययन करते हैं है। और राज ठाकरे साहब राज ठाकरे की कुंडली जो है उसमें शनि की महादशा चल रही है इसलिए मोटा मोटी मैं आपको पिछली बार भी कह चुका था कि कहीं ना कहीं कुछ समय उनका मध्यम चल रहा है जिससे उनको नासिक में तो डेफिनेटली वापस फायदा हो सकता है मगर मुंबई में अगर देखें तो मुंबई में जो उनकी पुरानी सीटें थी उससे कुछ दो पांच सीटें कम ही आती हुई दिखाई देती हैं ज्यादा नहीं अब संजय निरूपम की चेहरा संजय निरूपम कांग्रेस के कर्ता धरता है यहाँ पर और मुंबई कांग्रेस के का सबसे बड़ा चेहरा और मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं और शिवसेना से लेकर कांग्रेस तक उनका सफर जो है वो बड़ा ही आक्रामक रहा और बड़े आक्रमण से वो अपना काम करते हैं चाहे वो शिवसेना हो चाहे वो बीजेपी हो चाहे राज ठाकरे हो शब्दों के वान उनके बहुत ही सुंदर होते हैं छः दो उन्नीस सौ चौसठ आठ बज के तेरह मिनट सुबह ससाराम हर चीज़ का यहाँ पे विश्लेषण किया जाता है तो ही आप तक पहुँचाई जाती है और तो ही साई और मौला जो है उसको सच्चा करते हैं कोशिश की जाती है कि इसमें कोई कमी ना हो शक्ति और भक्ति का पूरा उपयोग करके आप तक पहुँचाया जा सकता है जी हाँ कांग्रेस की भी मेरे ख्याल से पिछली बार 45 फाइव सीट थी कांग्रेस हाँ। जो है मुझे ऐसा लगता है कि 30 से 35 सीटों के बीच में सिकुड़ती हुई नजर आती है और कांग्रेस को भी यहाँ पर बहुत बड़ा लाभ मिलता हुआ दिखाई नहीं देता ये एग्जिट पोल नहीं है हाँ। ये ऑस्ट्रोलॉजिकल पोल है जिसमें पूरी तरह से जो है वो अपना अध्ययन करके तो मोटा मोटी वापिस मैं आपको रिपीट कर देता हूँ कि शिवसेना उद्धव ठाकरे के झंडे के नीचे भगवे के नीचे उद्धव ठाकरे की कुंडली में गुरु की महादशा चल रही है सबसे बड़ी पार्टी बनके उभरेगी मेयर शिवसेना का होगा स्ट्रोलॉजिकली भारतीय जनता पार्टी उनको वापस ज्वाइन करेगी लड़ते झड़ते फिर ये एक दूसरे के साथ में हाथ मिलाते हुए पावर जो है वो सबसे बड़ा एक काम का एक 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 जोड़ने का एक सबसे बड़ा एक साधन माना जाता है तो हाँ। कहीं ना कहीं पावर जोड़ेगी और फिर सत्रह सात दो हजार सत्रह से चालीस दिन पहले या चालीस दिन बाद उद्धव ठाकरे अपने लोगों के साथ मिलकर डेफिनेटली भारतीय जनता पार्टी से ये मैं दो साल से बोल रहा हूं कहीं ना कहीं अपनी सपोर्ट खींच सकते हैं ये भी एक भविष्यवाणी यहाँ पर दर्ज की जाए और दूसरी पार्टी देवेंद्र फडणवीस भारतीय जनता पार्टी जो राष्ट्रीय पार्टी है दिल्ली में राज कर रही है और तीसरी जो है वो कांग्रेस एनसीपी एनसीपी हमने एनसीपी का हमने यहाँ पर वो नहीं लिया मगर अजीत पवार शरद पवार उनकी कुंडली का भी जब हम अध्ययन करते हैं तो डेफिनेटली एनसीपी एनसीपी जो है वो भी कांग्रेस के साथ में तीस से पैंतीस तीस से पैंतीस सीटें जो हैं वो लेकर आती हुई दिखाई देती हैं। सॉरी फॉर पी मगर एनसीपी कांग्रेस जो है ऑलमोस्ट दोनों मिलके साठ सत्तर सीटें जो है वो ले जा सकते, सकते हैं। ले जा सकते हैं बिल्कुल और अपक्ष जो हैं उनसे आपको बच कर रहना पड़ेगा एम आई एम एक ऐसी पार्टी है मैं सर एम आई एम जो भिल्कुल। इस वक्त कम से कम पंद्रह से बीस सीटें ले जाने में सक्षम हो सकती हैं क्योंकि जब दो लोग लड़ते हैं तो उसका फ़ायदा तीसरे आदमी को होता है इसलिए एम आई एम के भी ओवैसी साहब जो हैं उनको यहाँ पर हाजरी अच्छी हाजरी मिलती हुई दिखाई दे रही है जो वैसे तो आपने राज ठाकरे और एम मनसे के बारे में बात कही है लेकिन मुंबई के साथ-साथ 10 साथ मतलब नौ और महानगर पालिका है जिनमें चुनाव होने वाले हैं उसमें से अहम होगी पुणे पुणे की जो इलेक्शन है और नासिक की जो इलेक्शन है देखिए पुणे की इलेक्शन में नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के अजीत दादा पवार की जब हम कुंडली का अध्ययन करते हैं हु. और शरद पवार साहब जो कि एनसीपी के कर्ता धर्ता हैं सब कुछ हैं अध्यक्ष हैं उनकी कुंडली का जब हम अध्ययन करते हैं तो एक बात है कि पिंपरी चिंचवड़ म्युनसिपल कॉरपोरेशन में और पूना म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में एनसीपी और कांग्रेस मिलकर अपनी सरकार बनाते हुए दिखाई देते हैं वहां पर शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी या राज ठाकरे जो हैं, वो डेफिनेटली सेकंड नंबर के ऊपर आते हुए दिखाई देते हैं भारतीय है जनता पार्टी और राज भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना ये दूसरी पार्टी आती बनती हुई दिखाई देती है एनसीपी और कांग्रेस की सरकार वहां बनेगी और यहाँ तक नासिक नासिक की बात करते हैं नासिक में पॉसिबल है कि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के मिलान की शुरुआत हो जाए क्या बात है हाँ क्योंकि इस वक्त वहां पर जो सीटें आएंगी वहां पर शिवसेना जो है वापिस उभरती हुई दिखाई देती है शिवसेना और राज ठाकरे साहब जो हैं उनका आपस में देखिए बने ना बने की बात छोड़ दीजिए राजनीतिक मतभेद होते हैं शारीरिक सॉरी पारिवारिक मतभेद होते हैं हाँ। आप भी अपने भाई के साथ या मैं भी अपनी माँ के साथ या अपनी बीवी के साथ में कभी-कभार तू तू मैं मैं कर लेता हूं मगर यहां तक आ, किसी चीज की प्राप्ति की बात करते हैं तो हम इकट्ठे होकर उसको उसका उसका भोग करते हैं तो कहीं ना कहीं नासिक में भारतीय जनता पार्टी शिवसेना या शिवसेना और मन से ये त्रिशंकु विधानसभा का बिल्कुल समावेश मुझे नासिक में दिखाई देता है तो लेकिन हमारा बहुत ध्यान रहेगा नासिक में जब आपकी भविष्यवाणी के बाद इसलिए क्योंकि मतलब मुंबई के जब इलेक्शन हो रहे थे राज ठाकरे जी ने कह रहे हैं कि उन्होंने सात बार फोन किए उद्धव ठाकरे को फिर भी उनको ठुकराया गया तो नासिक में जरूर हम देखेंगे और क्या होता है ये देखने में देखेंगे देखिए रा, राजनीति में अगर नितेश और लालू मिल सकते हैं जी हाँ। तो ये तो दोनों भाई हैं जी हाँ। एक जगह पर खड़े एक जगह पर खाया एक जगह पर खेले एक जगह बाला साहब के मार्गदर्शन में अपना जीवन शुरू किया मतभेद होते हैं मतभेद भूल भी जाता है व्यक्ति और कहीं ना कहीं शुरुआत कहीं से हो सकती है तो वो नासिक ही है और कहीं नहीं बिल्कुल। तो इसलिए मैं तो भग, प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि बाला साहब की इच्छा हो सकता थी कि नहीं मालूम नहीं मगर डेफिनेटली मराठी मानस जो है वो मना पूर्वक इच्छा है कि ये दोनों जो है इकट्ठे कहीं ना कहीं आ, आ, आपस में आए क्योंकि महाराष्ट्र और महाराष्ट्र की सेवा करने के लिए जो बाला साहब ने प्रण लिया था वो डेफिनेटली शिवसेना उसको आगे लेकर जा रही है और राज ठाकरे जो हैं मी मराठी यानी माजा महाराष्ट्र ये बहुत बड़ा एक नारा उन्होंने दिया था जिसके लिए कहीं ना कहीं इन दोनों के ध्यय एक है इन दोनों की सोच एक है इन दोनों को आगे बढ़ने के लिए जो गलती राज से हुई है या उद्धव से हुई है या कुछ भी इनके आपसी मनमुटाव हुए हैं मैं प्रभु से यही प्रार्थना करता हूँ कि साई और मौला इन दोनों को शक्ति दें ताकि कहीं ना कहीं महाराष्ट्र की सेवा करने के लिए ये दोनों कदम से कदम मिलाएं ये तो मेरी मन की इच्छा है क्योंकि मैं दोनों से बहुत प्रेम करता हूं और बाला साहब के लिए मेरे मन में जो आदर है वो एक मैं ओपनली बोलता हूं एक हिंदू होने के नाते भी है और जिस तरह की उनकी सोच थी जिस तरह के उनके विचार थे वो बहुत कम राजनीतिज्ञों के होते हैं बिल्कुल पंडित जी ये तो हुई महानगर पालिका चुनाव के बारे में आपकी जो प्रडिक्शन है वो इसके बाद चल के हमें उत्तर प्रदेश के बारे में भी बात करनी है हालांकि अभी सिर्फ दो राउंड्स है वो हुई है वोटिंग की उत्तर प्रदेश में और तकरीबन 60 से लेके 65 तक की वोटिंग हुई है जहाँ वोटिंग हुई है तो इसके बाद चल के शायद ये थोड़ा सा प्री मैच्योर होगा लेकिन यूपी में क्या हाल आपको दिखता है देखिए प्री मैच्योर नहीं है छह महीने पहले हमने अपने ग्रहों के संकेत से संकेत दिए थे कि उत्तर प्रदेश में क्या होगा और जब हमने संकेत दिए थे कि बहन मायावती जो है उनको वहां पर बहुमत मिल सकता है या उनकी जो पार्टी है वो सबसे बड़ी पार्टी बनकर उतर सकती मुझे याद है आपने कई बार कहा है जी बिल्कुल उसी लय पर जिस तरह मैं बिहार में नीतीश कुमार को जिता रहा था और आज अठारह तारीख को एक बात ध्यान से सुनिए शनिवार का दिन है अठारह तारीख को शनि गुरु की धनु राशि में मेरा बीएसपी के कुछ नेताओं से भी वो भी मेरा मार्गदर्शन लेते हैं तो मेरा उनसे ये कहना था कि 26 जनवरी 2017 को शनि धनु राशि में प्रवेश करेगा और कुमारी महन मायावती की कुंडली में शनि की महादशा चल रही है और 26 तारीख से नॉट ओनली मीडिया लोग उत्तर प्रदेश के लोग भी यह कहना शुरू कर देंगे कि मायावती सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर सकती है पिछले छह महीनों से अगर हम समावेश देखें तो छह महीनों महीने पहले भारतीय जनता पार्टी को लोग तीन वोट दे रहे तीन सौ सीट दे रहे थे उस तीन महीने के बाद में समय बदला लोग समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव को और कांग्रेस के युति को 300 सीट दे रहे थे समय बदलता गया 26 एक 2017 को क्या परिवर्तन हुआ देखिए आप हैरानगी की बात है कि जब ग्रह बदलते हैं समय बदलता है नियति बदलती है तो भाग्य किस तरह बदलता है छब्बीस तारीख को बहन मायावती को उत्तर प्रदेश के सबसे दिग्गज मुस्लिम नेता मुख्तार अंसारी ने जेल में बैठकर अपनी पार्टी का विलय कर दिया कौमी एकता का जो कि 35 पूर्वांचल पैतीस सीटों के ऊपर इफेक्ट रखता है क्योंकि राजनीति का ज्ञान भी साथ में चाहिए इसलिए ग्रह दशा साथ में चलती हुई ग्रह दशा यूपी को मैं बहुत माइन्यूटली देख रहा हूं छब्बीस तारीख को बहन मायावती को तीस परसेंट इजाफा मिला थर्टी परसेंट बहन मायावती को वहां पर जंप मिला उसके बाद पांच दिन पहले जामा मस्जिद से जामा मस्जिद के जो सब मुस्लिम्स के सबसे बड़े नेता हैं उन्होंने ये ऐलान किया जामा मस्जिद से फतवा पढ़ते बोलते कि बहन मायावती को मुसलमान यूपी में वोट देंगे तो 20 प्रतिशत वहां पे उनको पर बढ़त मिली चाहे मीडिया या यूपी के कुछ नेता ये कहते हैं अभी भी कहते हैं कि समाजवादी पार्टी का साइकिल और इनका हाथ कांग्रेस का वो सबसे बड़ी बार्टी बनकर उतलेगी मगर मुझे दिखता नहीं है मेरी कुंडली मेरे ग्रह दशा मेरे मेरे गणित में बीएसपी जो है वो सबसे बड़ी पार्टी बनकर उतर सकती है और अगर बीएसपी स्वीप नहीं करती 402 सीटें वहां पर 404 या 402 अगर वो स्वीप पूरी मतलब 200 के ऊपर नहीं जाते हैं हाँ। तो एक बात तय है कि भारतीय जनता पार्टी उनको पीछे से सपोर्ट करते हुए बीएसपी एस की बहन मायावती को मुख्यमंत्री बनाते हुए दिखती है अच्छा इसलिए मैं भविष्यवाणी पहले भी नहीं बदली थी हाँ, अभी भी नहीं बदलूंगा जी हाँ जी हाँ लेकिन बीजेपी का क्या हाल होगा क्योंकि अगर प्री मतलब जैसे हम प्री पोल कहते हैं उसमें अगर देखा तो कुछ ऐसे, कुछ ऐसे चैनल्स हैं कुछ ऐसे संस्थाएं हैं जिन्होंने कहा है कि बीजेपी को 200 से ज्यादा सीट मिलती दिखती है हाँ वो वो बिहार में भी बोलते थे ओपिनियन हाँ, हाँ, पोल, <laughs> पोल बिहार में एक सीटें दे रहे थे एंड आई द ओनली पर्सन वज सिक्स सीट मिलेंगी hmm. तो सिक्सटी के ऊपर भी नहीं गई फिफ्टी नाइन सीट मिली hmm. दुनिया क्या कहती है यहाँ पर तो ग्रह दशा और नियति से काम चलाया जाता है hmm. कि भाई आपकी कुंडली में क्या लिखा हुआ है आपकी कुंडली में क्या लिखा हुआ है और भाग्य क्या बोलता है और मोक्किल क्या बोलते हैं और हमारे एंजल्स और देवता क्या बोलते हैं hmm. नौ ग्रह हमारे देवता हैं यही हमारे मोक्किल हैं और यही हमारे देवता हैं ये सत्ताइस नक्षत्र क्या बोलते हैं तो यहाँ तक आपने मेरे को सवाल किया है भारतीय जनता पार्टी का डेफिनेटली भारतीय जनता पार्टी जो है 70 टू 80 सीट्स लेकर जाती हुई दिखाई देती हैं।, हैं सबसे बड़ी पार्टी बी उससे सेकेंड पार्टी समाजवादी पार्टी एंड कांग्रेस की युति उसके बाद तीसरी आ, तीसरी पार्टी भारतीय जनता पार्टी हैं हैं। और अपक्ष वहां पर छुटपुट मिला के बीस पच्चीस जो है वो जीत सकते हैं तो मुझे मेरी विद्या में महन मायावती को कहीं ना कहीं बढ़त मिलते हुए दिखाई देती है और समय आने के ऊपर यहाँ पर तो कहते हैं कि पॉलिटिक्स जो है वो कन्वीनियंस के ऊपर चलती है भारतीय जनता पार्टी के साथ हमेशा मुलायम सिंह खड़े रहे आज भी उनके मन में ये मुटाव है कि कांग्रेस इन मेरे बेटे ने कांग्रेस के साथ में क्यों हाथ मिलाया हाँ। रोज अपनी किसी न किसी सभा में वो अपना दुख दर्शाते हैं बिल्कुल, है। बिल्कुल जिक्र जरूर करते, है जरूर करते हैं तो कहीं ना कहीं पच्चीस विधायक तो आज भी मुलायम सिंह के इस युति से खुश नहीं है तो बहन मायावती वहाँ की मुख्यमंत्री बनती हुई दिखाई देती है ये हमारी गणना है बाकी ऊपर वाला साईं जाने और मौला जाने ऐसे तो आज हमने हमें इलेक्शन के बारे में ही बात करनी थी लेकिन हमारे जो दर्शक है वो जरूर जानना चाहेंगे कि शेयर मार्केट के बारे में भी आने वाले हफ्ते के लिए आपकी प्रोडिक्शन क्या है शेयर मार्केट हम नहीं टालेंगे नहीं नहीं टाल भी नहीं सकते क्योंकि वातावरण ही ऐसा बना हुआ है और इलेक्शन का तो सीधा संबंध शेयर मार्केट पे होता है बिल्कुल बिल्कुल देखिए एक बात ध्यान से सुनिए मुझे हजारों लोग आज भी हफ्ते में लिखते हैं कि आपकी जो ट्रंप की भविष्यवाणी है हमको लगता है कि वो वो भी सही हुई है <laughs> क्योंकि जिस तरह का वातावरण चल रहा है मैं अमेरिका से इसलिए बात करता हूं शुरू करता हूं कि वहां डॉलर हिलता है तो पूरा विश्व हिलता जी है।, हाँ। है कहीं ना कहीं मुंबई स्टॉक एक्सचेंज भारतीय अर्थशास्त्र मोदी जी के वित्त मंत्री अरुण जेटली और महंगाई दर इन सब चीजों को जब हम पकड़ते हैं तो मैं बहुत सालों से कह रहा हूं कि भारत जो है काल सर्प दोष से बाहर आ चुका है गांव mm -hmm. गांव में कांग्रेस हो बीजेपी हो कोई भी पार्टी हो गांव गांव में खुशहाली नजर आएगी इस बात में कोई दो राय नहीं इसलिए मैं आज भी यह कहता हूं अगले एक से दो महीने के अंदर अंदर बीएससी विल क्रॉस ट्वेंटी नाइन थाउजेंड फाइव हंड्रेड इस हफ्ते ट्वेंटी एट थाउजेंड सिक्स हंड्रेड के ऊपर जा सकती है और नीचे का स्तर सत्ताइस हजार सथा आठ सौ रह सकता है I am bullish on और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की निफ्टी की बात करें तो आठ हजार नौ सौ के ऊपर डेफिनेटली जाता दिखाई देता है नीचे का स्तर जो है वो आठ हजार सात सौ के करीब करीब दिखता हुआ दिखाई देता है और गोल्ड जो है वापिस तीस हजार का आंकड़ा पार कर सकता है चांदी एज यूजल आई एम टेलिंग कि चांदी में निवेश करके बैठ जाए कल चांदी मैंने जब देखी स्क्रीन पे तो 42,600 थी कभी भी चांदी आपको 44,000 पार करते हुए दिखाई देती है मगर इन शेयरों को स्टॉप लॉस के साथ में ट्रेड करें हमारे स्क्रीन पे शुरू से ही ये लिखा हुआ होता है कि इन चीजों से हम आपकी जिम्मेदारी नहीं लेते आप अपने अपनी हानि के लिए आप जिम्मेदार हैं और आपके लाभ के लिए भी आप ही जिम्मेदार भी हैं भी हमारा इसमें आपको सुझाव भी हो सकता है बिल्कुल पंडित जी बहुत बहुत शुक्रिया आज अपने शो में हिस्सा लिया और आपकी जो भविष्यवाणी है हमने लिख ली है हमेशा की तरह और काफी सारे दर्शक आपसे आप जानना चाहते थे हमें भी काफी फोन आए और उनकी विनती को सुनते हुए आपने प्रेडिक्शन जरूर सुनाई इन इलेक्शंस के बारे में अगले हफ्ते जरूर मिलेंगे और कुछ नए राजकीय मुद्दों पर बात करेंगे आपसे बहुत, बहुत बहुत शुक्रिया आज हिस्सा लेने के लिए हरिओम वे इतने स्तंभ लिए संपलिए मुझ राज मंत्र मध्य इतना स्तंभ तो है तुम्हें पहत रहा जय महाराष्ट्र E